यार जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं हमारे YouTube चैनल पे, तो YouTube हमेशा दो फीचर देता है, एक तो कम्युनिटी टैब इनेबल करता है, दूसरा करता है मोनेटाइजेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका 4000 आवर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं 365 डेज में। तो ऐसे में बात आती है यार कि कम्युनिटी टैब अगर आपने इनेबल नहीं हुआ है, अगर 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं आपके चैनल पे, तो अब बात आती है कम्युनिटी टैब की इनेबल करने की। अगर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद भी कम्युनिटी टैब इनेबल नहीं हुआ है, तो आप लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन तक वेट करिए कम से कम। अगर 1000 सब्सक्राइबर जिस दिन पूरे होते हैं उस दिन से लेके 1 हफ्ते 10 दिन तक वेट करना होता है, कभी कभी 2 4 दिन 1 हफ्ते दिन लग जाता है। इस वक्त तो कोविड सीजन चल रहा है, तो सीजन ही बोलिए कोविड का तो 1 हफ्ते 10 दिन लग सकते हैं। मुझे आया 3 4 दिन में लगभग मेल आ गया, मतलब ऊपर से नोटिफिकेशन आ गया मुझे, और मेल भी आ जाता है कि आपके कम्युनिटी टैब अनलॉक्ड हो चुका है, यानी इनेबल हो चुका है। तो ऐसे में बात आती है अगर अपने कम्युनिटी टैब इनेबल नहीं हुआ है, जिससे हम अपने ऑडियंस से कांटेक्ट हो सकते हैं, अपना फोटोज वगैरह सब कुछ शेयर कर सकते हैं, तो उसको इनेबल करने के लिए हमें अपने यूट्यूब टीम को ट्वीट करना पड़ेगा या फिर मेल करना पड़ेगा। दोनों हम दोनों ही प्रोसेस करेंगे, मेल भी करेंगे साथ ही और ट्वीट भी करेंगे। कभी कभी मेल का रिप्लाई काफी दिनों बाद आता है, 5 6 दिन 10 दिन बाद रिप्लाई करते हैं यूट्यूब टीम ज्यादा के, लेकिन ट्वीट की रिप्लाई 1 दिन के अंदर ही हो जाता है, 1 से 2 दिन के, ज्यादा से ज्यादा ही 2 दिन के अंदर ही आपके ट्वीट की रिप्लाई आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या मेल करना है ट्वीट करना है। दोनों मैसेज सेम है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, दोनों मैसेज उसको कॉपी करके बस पेस्ट कर दीजिएगा। और कैसे हमें मेल करना है ये देख लेते हैं, हमें यूट्यूब टीम को कैसे मेल करना है। तो मोबाइल पे या फिर आप कंप्यूटर पे हो, सेम ही प्रोसेस है, ठीक है। तो हम अपने मोबाइल में ओपन करेंगे अपना चैनल, फिर उसके बाद से हम जाएंगे अपने प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करेंगे, यानी अपने लोगो पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद से हम योर चैनल्स पर क्लिक करेंगे, योर चैनल पर क्लिक किया हमने, फिर उसके बाद से हम 3 डॉट पर क्लिक करेंगे राइट अपर कॉर्नर पे, 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद से हम हेल्प एंड फीडबैक पर क्लिक कर देंगे। हेल्प एंड फीडबैक पर क्लिक करेंगे तो नीचे आ रहा है देख लीजिए कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। तो इसमें से नीचे कोई रीजन तो है नहीं, हमें कम्युनिटी टैब इनेबिलिटी का है तो नहीं, मोनेटाइजेशन वगैरह का है, तो हमें कॉन्टेक्ट अस पर क्लिक करना पड़ेगा और हमें जो मैसेज करना है यानी वो आपको कॉपी कर लेना है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। अगर आप मोबाइल में कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो सीधे आप किसी ब्राउजर में ओपन कर लीजिए इस वीडियो को, ठीक है, और ब्राउजर में ओपन करके वहां से कॉपी कर लीजिए, वहां से इजीली कॉपी हो जाता है, ठीक है। तो वहां कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, और वहां पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है, बस हो गया, यानी सेंड कर उसके बाद से सेंड बटन कर दीजिएगा। और दूसरा आता है ट्वीट करने के लिए, तो ट्विटर पे हमें ट्वीट करना पड़ेगा और हमें टैग भी करना पड़ेगा साथ साथ, ठीक है। तो हमें YouTube इंडिया को टैग करना पड़ेगा और हमें YT क्रिएटर्स इंडिया दोनों को टैग करना पड़ेगा, @ लगाएंगे तो टैग हो जाएगा, नीचे दिया हुआ है दोनों को टैग करना, ठीक है। अगर आप मेल कर रहे हैं तो दोनों को हटा दीजिएगा, टैग करना से कोई फायदा ही नहीं, @YouTube इंडिया और YT क्रिएटर्स इंडिया हटा दीजिएगा, ठीक है, मेल कर दीजिएगा, अपना चैनल का लिंक वगैरह सेंड कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप ट्वीट कर रहे हैं तो ट्विटर में इन दोनों को टैग करना जरूरी है, तभी तो उनके पास पहुंचेगा और वो ज्यादा इंस्टेंटली मुझे लगता है तो 24 घंटे में या 36 घंटे 48 घंटे जितने देर में वो आपको रिप्लाई करेंगे, रिप्लाई क्या करेंगे इनेबल भी कर देंगे अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो कम्युनिटी टैब इनेबल करना जरूरी होता है, इससे इंटरेक्ट होता है आदमी अपने चैनल्स को और ग्रो करने में स्पीड अप होता है चैनल। तो आई होप कि मतलब आपको इनेबल हो ही जाएगा, 1000 सब्सक्राइबर हो गए हो तो जरूर इनेबल होगा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिए, और आपको ऐसे ही डेली टेक वीडियोस मिलते रहते हैं कमाल कमाल के इस वीडियो पे। अगर थोड़ा भी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, आपको वीडियो ऐसे ही मिलते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, टाटा।